तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा टिप्स स्कूटी से लॉन्ग राइड करने की। तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये, खासकर उनके लिए जो पहली बार जाने वाले हैं स्कूटी से लॉन्ग राइड पे। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like... हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो कल दिल्ली में पूरे दिन बारिश हुई है और बारिश की वजह से देखो कीचड़ ही कीचड़ हो गया है रोड पे। अभी आगे शायद पानी भी भरा होगा और स्कूटी की ब्रेक भी ना वैसी हो गई है, खतरनाक वाली। हल्की सी दबाने पे टायर लॉक हो जा रहा है, जो अक्सर होता ही है बारिश के टाइम। तो धीरे धीरे ही चलानी पड़ेगी क्योंकि एकदम से ब्रेक मार दी तो स्कूटी फिसल के गिर जाएगी और साथ में मैं भी गिर जाऊँगा स्कूटी के। मेरे जूते ना गंदे हो जाए, धुल रखे हैं, एकदम साफ हो रखे हैं, ये देखो। वैसे बाहर मेन रोड पे तो नहीं भरा होगा पानी, बस यहाँ अंदर अंदर भर जाता है थोड़ा। देखो यहाँ तो और ज़्यादा भर रखा है और सामने देखो बुलेरो खड़ी है, क्या मस्त लग रही है यार। और इधर देखो, ओहो यहाँ तो बाढ़ ही आ गई है एक दिन की बारिश से, और वो भी तेज नहीं हुई है बारिश, धीरे धीरे हो रही थी लेकिन पूरे दिन हो रही थी। तो मेरी केदारनाथ वाली रोड ट्रिप और ऋषिकेश हरिद्वार वाली रोड ट्रिप देख के ना बहुत लोग पूछ रहे थे कि हमें टिप्स दे दो स्कूटी से लॉन्ग राइड करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा टिप्स स्कूटी से लॉन्ग राइड करने की। तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये, खासकर उनके लिए जो पहली बार जाने वाले हैं स्कूटी से लॉन्ग राइड पे, या फिर जो फ्यूचर में जाना चाहते हैं, और बाकी जो जाना नहीं चाहते उनको भी कभी इमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। और अब सामने से आ गई है स्कॉर्पियो पुरानी वाली। आजकल तो यार स्कूटी, चलो छोड़ो यार, तारीफ़ नहीं करता ज़्यादा वरना फिर बेकार चलने लग जाती है। जैसे मैं तारीफ़ करता हूँ ना उसके दो तीन दिन बाद इसमें कुछ ना कुछ ख़राबी आ जाती है, तो अब तारीफ़ नहीं करेंगे, बढ़िया चल रही है तो चल रही है। तो सबसे जो पहली टिप है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादातर लोगों को पता ही होगी। वो टिप ये है कि हमेशा लॉन्ग राइड पे जाने से पहले अपनी स्कूटी का चेकअप जरूर कराएं, चाहे आपकी स्कूटी कितनी भी ज़्यादा नई हो या फिर कितनी भी ज़्यादा पुरानी हो, क्योंकि कई बार नई स्कूटी में भी दिक्कत आ जाती है और कई बार पुरानी स्कूटी में भी कोई दिक्कत नहीं आती। और चेकअप मतलब ये नहीं कि आप अलग से चेकअप कराओ, जो सर्विस होती है ना, जो सर्विस करवाते हो उसमें ही बोल दो मैकेनिक को कि सब चीज़ें एकदम अच्छे से चेक कर ले, मुझे लॉन्ग राइड पे ले जानी है स्कूटी, तो वो चेक कर लेगा सब चीज़ें, कुछ चीज़ ख़राब तो नहीं है। और अगर कुछ चीज़ ख़राब निकलती है तो रिस्क लेके स्कूटी को लॉन्ग राइड पे ना ले जाएं, पहले उसे ठीक कराएं उसके बाद ही ले जाएं। बहुत बार क्या होता है लोग सोचते हैं चल यार ये ख़राब है आके ठीक करा लूँगा, ऐसे चला जाता हूँ, लेकिन वो चीज़ हो सकता है आपकी राइड पूरी ख़राब कर दे। इसलिए थोड़ा लेट जाओ लेकिन सब चीज़ें ठीक करा के ही जाओ, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो बीच रास्ते में। और दूसरी टिप ये है कि कभी भी लॉन्ग राइड पे जाओ तो प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहन के ही जाओ, बिना राइडिंग गियर्स के मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। और बाकी अगर आपको बजट उतना नहीं है राइडिंग गियर्स लेने का, प्रॉपर राइडिंग जैकेट राइडिंग पैंट्स लेने का या फिर राइडिंग बूट्स, तो आप मेरी तरह नी गार्ड और एल्बो गार्ड भी ले सकते हो, वो सस्ता भी आ जाएगा और आपकी प्रोटेक्शन भी बढ़ा देगा। और बाकी एक जैकेट पहन लेना बहुत मोटी सी, उसके ऊपर एल्बो गार्ड पहन लेना, तो जिसकी वजह से प्रोटेक्शन भी हो जाएगी और ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका बजट है तो फिर खर्च करो उन्हें राइडिंग गियर्स पे। तो अभी एक साल पहले मैंने ऋषिकेश वाली रोड ट्रिप की थी, तो ऋषिकेश से आते टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, और उस एक्सीडेंट में मैं उसी की वजह से बच गया था, नी गार्ड और एल्बो गार्ड की वजह से। बस मेरे हाथ में लगी थी क्योंकि मैंने ग्लव्स उतार दिए थे, बारिश हो रही थी ना इसलिए, अगर ग्लव्स भी पहन के रखता तब तो कहीं भी नहीं लगती, एक स्क्रैच भी नहीं आता। मैंने पूरी रोड ट्रिप में पहन के रख रखे थे ग्लव्स, बस 10 मिनट के लिए उतारे और उन्हीं 10 मिनट में गिर गया मैं। तो इससे हमें एक और सीख मिलती है कि अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो एक मिनट के लिए भी ग्लव्स या फिर कोई सा भी राइडिंग गियर नहीं उतारना है। जब आप खाना वाना खाने के लिए उतरो तब उतार दो, बाकी पहन के ही रखना है 24 घंटे। तो उसी एक्सीडेंट में मेरी स्कूटी पूरी यहाँ से घिसी थी, अभी भी वैसी है स्कूटी, बस मैंने ऊपर ये रैप करा रखा है तो इसलिए दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप सामने से देखोगे ना एकदम पास से तब आपको हल्का हल्का दिखेगा। तो मेरी स्कूटी ना पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक घिसी हुई है पूरी है, और यहाँ भी, और ये देखो लाइट भी घिसी हुई है, तो ये उसी वाले एक्सीडेंट में घिसी थी। और अगर उस टाइम मैंने नी गार्ड नहीं पहने होते ना तो मेरा घुटना भी ऐसे घिसा हुआ होता,
लेकिन घुटना बच गया, लेकिन हाथ घिस गया और अभी तक भी मेरा हाथ पूरा ठीक नहीं हुआ है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो निशान दिख रहे होंगे। 1 साल हो गया इस चोट को, अभी भी ये वाली उंगली पूरी बंद नहीं होती है, इतनी बंद होती है। अगर उस टाइम मैंने ग्लव्स पहने होते ना, तब हाथ में भी नहीं लगती बिल्कुल भी। पर क्या करें, अब तो जो होना था हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे और आप भी ध्यान रखना आगे से। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप पे। तो नेक्स्ट टिप ये है कि लॉन्ग राइड से पहले या लॉन्ग राइड के समय रेस्ट हमेशा पूरा लेना। जैसे रात को कहीं रुकते हो तो अपना 7-8 घंटे की नींद लेना ही लेना, क्योंकि रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप पूरे दिन स्कूटी चलाओगे और रेस्ट नहीं दोगे ना बॉडी को, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है, बहुत बार ब्लैकआउट हो जाता है उससे। ऐसे हमारा दिमाग एकदम से शट डाउन हो जाता है और इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और कभी भी ऐसा होता है ना कि आपकी नींद पूरी ना हुई हो, तो उस दिन भी गाड़ी नहीं चलानी है, घर के आसपास चला सकते हो, पर ऐसे लॉन्ग राइड पे ये सब रिस्क मत लेना। और कभी भी लॉन्ग राइड पे जाते हो ना, तो अपने साथ एक वेपन जरूर कैरी करे। मतलब इतना कोई ताकतवर वेपन नहीं चाहिए, एक चाकू वाकू भी हो जाए तब भी काम चल जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए यार, छोटी चीज भी रख सकते हो, बड़ी चीज भी रख सकते हो। खटारा सी गाड़ी में वो लगा रखा है, टो टो टो, इल्लीगल चीजें हो रही हैं, इल्लीगल चीजें। बाकी स्कूटी से लॉन्ग राइड करने पे एक और चीज का ध्यान रखना है आपको, कि अपनी स्कूटी 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलानी लगातार, क्योंकि इससे आपकी स्कूटी का इंजन सीज हो सकता है। वैसे जरूरी नहीं है कि हर बार सीज हो ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब हो सकता है तो फालतू में रिस्क क्यों लेना, इससे बढ़िया 80-90-100 किलोमीटर चलाने के बाद रेस्ट ले लेना 20 से आधे घंटे का। तो आप भी अपना खाना वाना खा लेना, आपको भी रेस्ट मिल जाएगा और आपके साथ साथ स्कूटी को भी रेस्ट मिल जाएगा, जिससे आप अपनी राइड बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाओगे। वैसे लॉन्ग राइड पे ना किसी भी चीज से रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, अगर वो चीज बिना रिस्क के हो पा रही है तो रिस्क लो ही मत। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तो स्कूटी चलाने में, रोज ही आता है वैसे तो, बस ऐसे ही मजा आता रहे जिंदगी भर। और लॉन्ग राइड में हमेशा स्कूटी लेफ्ट साइड ही चलाओ, क्योंकि हाईवेज में गाड़ियां तेज स्पीड में चलती है, तो जिसकी वजह से लेफ्ट साइड आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा। तो अपना लेफ्ट साइड दबा के चलाओ और हमेशा अलर्ट रहो, क्योंकि लेफ्ट साइड में डिवाइडर वगैरह भी होता है, खेत वेत भी होते हैं। बीच में चला रहे हो तो बीच में इतना ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड ज्यादा दबा के चला रहे हो या फिर राइट साइड, तब ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है। तो आपने बहुत सारे एक्सीडेंट भी देखे होंगे, लोग डिवाइडर पे ही लड़ जाते हैं चलते चलते, तो ये सब उसी वजह से होता है। और यहाँ देखो चलान कट रहा है इको वाले भैया का, आहा, खाली रोड मिल गया। ऐसे मौसम में खाली रोड मिल जाए तो मजा ही कुछ और होता है। वैसे अंधेरा होने वाला है, लाइट जल चुकी है रोड की, और ये देखो प्लेजर ने ओवरटेक कर लिया है मुझे। और हाँ एक और चीज का ध्यान रखना, हाईवे पे ना बहुत लोग रॉन्ग साइड आते हैं, मतलब वहाँ बहुत ज्यादा कॉमन होता है और कोई होता भी नहीं है रोकने वाला, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। एकदम से लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं रॉन्ग साइड, उसका ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा, कोई और नहीं रखेगा। और कभी भी ना स्कूटी चलाते टाइम म्यूजिक नहीं सुनना, वैसे बहुत लोग सुनते हैं, मैं भी सुनता था पहले, पर वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है हाईवेज के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया वहाँ पे बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ पीछे की गाड़ियों की आवाज भी सुननी जरूरी होती है, कोई हॉर्न बजा रहा है, तो जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना तो हमारा ध्यान थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से मैंने अपने हेलमेट से ब्लूटूथ भी हटा दिया है। पहले मेरे हेलमेट में ब्लूटूथ भी था। और कभी भी स्कूटी चलाते टाइम आपको ऐसा लगे ना कि नींद सी आ रही है, तो तुरंत उसी टाइम रुक जाओ कहीं साइड में, और नींद भगाने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो। हाँ वैसे सबसे बढ़िया कोल्ड ड्रिंक ही रहेगा, कोल्ड ड्रिंक, रेडबुल वगैरह, स्टिंग वगैरह कुछ भी पी लो। और हमेशा रोड ट्रिप पे आपको अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रोड ट्रिप पे क्या होता है ना, इंसान थोड़ा कम खाता है, थोड़ा कम पानी पीता है, तो जैसे आप नॉर्मल दिनों में खाना खाते हो वैसे ही खाना है आपको। और कोशिश करो दिन में 1-2 बार तो हेल्दी खाना खा ही लो, वैसे बहुत मुश्किल होता है रोड ट्रिप्स पे हेल्दी खाना खाना, 2 नहीं तो 1 मील तो ले ही सकते हो हेल्दी, वैसे कोशिश 2 की करना। वैसे मैं हर बार सोच के जाता हूँ कि इस बार सिर्फ हेल्दी खाना खाऊंगा, पर खा नहीं पाता, 1-2 मील ही खा पाता हूँ हेल्दी, बाकी का फिर अनहेल्दी हो ही जाता है। हर जगह जाम लग रखा है यार, थोड़ी थोड़ी जगह खाली मिल रही है फिर जाम मिल जा रहा है, फिर थोड़ी जगह खाली मिल रही है फिर जाम मिल जा रहा है। इस जाम की वजह से ही ना इस टाइम कहीं जाने का मन नहीं करता, मेरे ख्याल से मुझे यू टर्न ही ले लेना चाहिए। ओहो अब जाके थोड़ी शांति मिली है, इस जाम में फंस रखा था अभी मैं, देखो कितना लंबा जाम है, इतना लंबा जाम तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। वैसे यार टिप्स तो बहुत सारे हैं,
टिप्स बताते बताते तो मैं एक घंटे की वीडियो बना दूं, पर इसमें थोड़े मेन मेन टिप्स ही रखेंगे। या तो ऐसा करूंगा इसके ना पार्ट्स बना दूंगा। और हाँ, एक और टिप याद आ गई, और वो टिप ये है कि कभी भी रात को गाड़ी नहीं चलानी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी डेस्टिनेशन बस 40-50 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। और खासकर पहाड़ों में तो अगर 20 किलोमीटर भी दूर है ना, तब भी मत चलाना, क्योंकि पहाड़ों के 20 किलोमीटर प्लेन के 50 किलोमीटर के बराबर है। इसलिए रात को हमेशा अवॉइड करना रोड ट्रिप्स पे। और पहाड़ों में तो खासकर गलती से भी मत चलाना, क्योंकि वहाँ तो लाइट वाइट भी नहीं होती है रोड के किनारे, और ऊपर से कहीं गिर विर भी गए ना तो कोई आएगा भी नहीं जल्दी से उठाने के लिए। वैसे सबसे बढ़िया है कि अपनी राइड अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दो, मतलब जब सूरज निकलने वाला ही होता है ना उस टाइम स्टार्ट कर दो, और शाम को 5-6 बजे ख़त्म कर दो, या फिर उससे जल्दी कर सकते हो 4-5 बजे, तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन मैक्सिमम 5-6 बजे तक तो कर ही दो ख़त्म। पर अंधेरे में ना यार कभी भी मत चलाना, अंधेरे में हजार तरह की चीज़ें हो जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। वैसे रिस्की तो दिन में भी है, और वो देखो सामने से डिफेंडर आ रही है, डिफेंडर। हाँ, तो मैं बोल रहा था रिस्की तो दिन में भी है, पर रात को ना रिस्क 100 गुना बढ़ जाता है एज कंपैरिजन टू दिन। एक लास्ट टिप और बता देता हूँ जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि हमेशा अपने साथ एक पंचर किट जरूर कैरी करें। वैसे अभी तक मैंने जितनी भी टिप्स बताई है सारी जरूरी है, लेकिन जो ये वाली है थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में कोई पता नहीं है कहाँ पे आपको पंचर वाला मिलेगा, और खासकर पहाड़ों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, वहाँ तो पेट्रोल पंप भी आपको 50 किलोमीटर बाद मिलता है। तो पंचर किट तो मैं हमेशा अपने डिक्की में रखता हूँ, तो वो हमेशा मेरी डिक्की में ही रहती है। अभी आपको दिखाता हूँ साइड में रोक के, ये देखो ये है, इससे पंचर लगाते हैं। ये पंचर लगाने वाली स्ट्रिप्स हैं, और बाकी जो छेद करने वाला होता है, एक ये प्लास भी है, और ये कील निकाल के छेद बड़ा करने के लिए, और एक पंचर लगाने वाला भी होगा। किधर गया, देखो ये दो है, ये छेद बड़ा करने वाला है और ये पंचर लगाने वाला। तो पंचर लगाने का सारा सिस्टम मेरी डिक्की में ही रहता है 24 घंटे। वैसे आज तक मेरे काम नहीं आया ये लॉन्ग राइड्स पे, लेकिन हाँ किसी और के काम आया है ये। तो ऋषिकेश जाते टाइम रास्ते में मेरे को एक भैया मिले थे, उनकी गाड़ी का पंचर हो गया था, जो वो नहीं है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, उसके बीच में, तो उनका पंचर लगाया था मैंने इससे। बाकी आज तक मेरे काम नहीं आया ये लॉन्ग राइड पे, घर पे आ रखा है, घर पे मैंने बहुत पंचर लगाया है इससे। तो बस इस वाली वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टिप्स हो गए इस वीडियो में, बाकी के टिप्स आपको किसी और वीडियो में दूंगा। अगर इसका आपको पार्ट 2 चाहिए तो बता देना कमेंट में। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।